हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इनसाइड लॉजिक प्राइवेट लिमिटेड का एक बेहतरीन उपहार एल्बम सेंस सीसी। इनसाइड लॉजिक सालों से एल्बम डिजाइनर्स के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते आ रहा है। फाइल में जाके हम एक न्यू एल्बम प्रोजेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे हम वर वधू के नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हमने जैसे सैंपल के तौर पर लिखा एक्स वाई जेड वेट्स एबीसी। सेव करने के लिए हमने डेस्कटॉप का पाथ दे दिया। एल्बम कैटेगरी में वेडिंग एल्बम सिलेक्ट कर लिया। एल्बम डिजाइन मतलब एल्बम साइज, कौन सी साइज का एल्बम बनाना है, तो जो भी अवेलेबल साइज है, जो भी थीम आप इसमें डाउनलोड करते हैं, जिस साइज की थीम डाउनलोड होगी वो सारी साइज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। एल्बम थीम में हमने प्रोफेशनल सिलेक्ट कर लिया। एल्बम वॉल्यूम में हमने A1A ले लिया। फोटो पाथ में जाके हम एक फोटो पाथ देते हैं जहां पे हमारे पास ओरिजिनल फोटोग्राफ्स पड़े हुए हैं। ये हमने डेमो फोटो कुछ रखे हुए हैं, उसका पाथ दे दिया। अगर हम एक से ज्यादा फोल्डर ऐड करना चाहते हैं तो सेम वे यहाँ पे जाके हम दूसरे फोल्डर को भी ले लेते हैं। यहाँ सी ड्राइव में हमारे पास एक न्यू नाम का फोल्डर है, वो भी हमने ले लिया। अगर कोई एक्स्ट्रा फोल्डर आ गया है और आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी होके आ गया है। नीचे फोटो गैलरीज में हमारे पास फोटोज आ गई है। अब डिजाइन के लिए सॉफ्टवेयर जब आप बेसिक डाउनलोड करते हैं तो एक थीम आपके सॉफ्टवेयर में साथ में आती है, जो है प्रोफेशनल थीम। अगर आप एक्स्ट्रा थीम, एक्स्ट्रा डिजाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में आपको मिलती है। यहाँ से, यहाँ लेफ्ट साइड में एल्बम सेंस के आइकॉन पे क्लिक करते ही आप सीधा इन स्टॉक के पोर्टल में आ जाएंगे। यहाँ पे डिजाइन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट टाइप, कौन सी डिजाइन्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी, इसके बाद साइज, जिस साइज की थीम आप डाउनलोड करना चाहते हो, और एंड में आपको थीम का ऑप्शन दिया गया है। थीम के ऑप्शन में क्लासिक, डिजाइनर और प्रोफेशनल, तीन तरह की थीम आपको दी हुई है। इसमें से जो भी थीम आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहां पे दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने यहां पे वेडिंग एल्बम सिलेक्ट किया, साइज सिलेक्ट किया 12x36, और यहां पे हम क्लासिक कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। हमने सबमिट किया। सबमिट करते ही क्लासिक डिजाइन्स की थीम हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्लासिक थीम में आके जो भी थीम हमें पसंद आती है उस थीम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस थीम की लेफ्ट एंड राइट साइड उसके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। नीचे सारे थीम के थंबनेल दिखे हैं, नीचे सारे थीम के थंबनेल दिखाई दे रहे हैं। अगर ये थीम हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड दिस थीम पे क्लिक करते हैं। ये उसको डेस्टिनेशन देना है जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो। ये आपका फाइल डाउनलोड शुरू हो गया है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे हम सेटअप फाइल को रन करते हैं। तो जहाँ जिस फोल्डर में हमारा एल्बम सेंस सीसी इंस्टॉल किया हुआ है वहां पे ऑटोमेटिकली वो अपने आप पाथ ले लेगा और वहां पे डाउनलोड हो जाएगा। ये इंस्टॉलेशन हो गया है, फिनिश किया। अब हम चेक कर लेते हैं। हमने क्लासिक थीम डाउनलोड किया था, हम एल्बम सेंस के फोल्डर में चले जाते हैं जहां पे हमने एल्बम सेंस सीसी इंस्टॉल करके रखा है। वहां पीएस डेटा के फोल्डर में जाते हैं जहां पे हमारी सारी डिजाइन्स पड़ी हुई है 12x36, और उसके अंदर ये क्लासिक, क्लासिक में हमने डाउनलोड किया था सीसीडब्ल्यू। तो ये डिजाइन हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। तो अब हम इस डिजाइन का भी उपयोग एल्बम सेंस के अंदर कर सकते हैं। एल्बम डिजाइनिंग के दौरान अगर आप कभी भी थीम चेंज करना चाहते हैं तो थीम में चले जाइए। हमने यहाँ पे डिजाइनर थीम सिलेक्ट कर ली है, उसका थीम का वॉल्यूम सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने ओके कर दिया। इसको सिलेक्ट करना ना भूले। ओके, यहाँ पे फोटोज हमारे सेम टू सेम है। हम ऑटो पेज के बटन को क्लिक करते हैं। जैसे ही ऑटो पेज पे क्लिक किया हमारे सामने एक डिजाइनर थीम के द्वारा बनी हुई एक डिजाइन तैयार होके आ जाती है। सेम इसी में भी आप टेम्पलेट में जाके अनगिनत लेआउट चेक कर सकते हैं। जो भी लेआउट आपको पसंद आता है उसको डबल क्लिक कीजिए, आपके फोटोज उस डिजाइन के साथ अटैच होके
आ जाएंगे। इस तरह से लेआउटिंग का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो है डिजाइन के दौरान जो भी इश्यू आते हैं लोगों को वो होते हैं लेआउटिंग। फोटो को प्रेजेंट करने के लिए कौन सा लेआउट सिलेक्ट करें, किस लेआउट में अपने फोटो को अटैच करें, तो ये सारा प्रॉब्लम कंपनी ने आपको अनलिमिटेड डिजाइन देके सॉल्व कर दिया है। उसमें भी आपको चॉइस मिल रही है, कैटेगरी वाइज आपको डिजाइन मिल रहे हैं, अनलिमिटेड साइज, अनलिमिटेड लेआउट, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन, क्योंकि डिजाइनर के लिए कॉम्बिनेशन बिठाना भी एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है। तो कंपनी आपको दे रही है 2 से लेके 12 तक के जितने भी फोटो के कॉम्बिनेशन होते हैं उनमें अनलिमिटेड डिजाइन के कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कर रही है। अब बैकग्राउंड जो है थीम के हिसाब से आपको एक बैकग्राउंड में सारी डिजाइने मिलती है। अगर आप बैकग्राउंड उसमें चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड गैलरी में चले जाइए, सीधे ही डबल क्लिक करते हैं आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। जो भी बैकग्राउंड आपको पसंद आता है उस पर डबल क्लिक कीजिए, आपका बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन है बैच। इस फोटो को आपको सेव करना है तो यस कीजिए, यहां पे हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमने नंबर दे दिया 1, सेव। हमने वो फोल्डर जो सिलेक्ट किया था एल्बम डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे, जो प्रोजेक्ट का जो फोल्डर हमने सिलेक्ट किया था मास्टर फोल्डर डिजाइन फोटोज का, वही फोल्डर हमें यहाँ पे ओपन हो गया है। या चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हैं। बैच के अंदर हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है क्विक क्रिएट और एक है नॉर्मल। क्विक क्रिएट की मदद से क्या होगा, आप बैच में अगर कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सिलेक्शन मिलेगा। समझो आपको ये 4 और 4 8 फोटो का एक डिजाइन बनाना है, आपने क्विक क्रिएट किया, यहाँ पे रो एल्बम पेज एक बन गया। सेम वे अगर आप यहाँ पे 7 फोटो का दूसरा पेज बनाना चाहते हैं, आपने सिलेक्ट किया और क्विक क्रिएट किया तो यहाँ पे 3 रो एल्बम पेज बन गए। इस तरह से आप अपने सिलेक्शन के हिसाब से अगर बैच में डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करके क्विक क्रिएट पे क्लिक करते रो एल्बम पेज बन जाते हैं, और एंड में आपको रेंडर पेज के बटन को क्लिक करना है। अगर आप एक साथ सेम कॉम्बिनेशन में पूरा एल्बम बनाना चाहते हैं, जैसे कि हर पेज के अंदर आपको 6 या 7 फोटो या 8 फोटो चाहिए, तो आप 8 फोटो का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कीजिए, यहां से आप फोटो सिलेक्ट कर लीजिए। समझो हमने इतने फोटो का बनाना है तो इतने फोटो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इस क्रिएट को क्लिक कीजिए। इस सेटिंग पे क्लिक करते ही आपके बेसिक रो एल्बम पेज बन जाएंगे। अगर आप पूरे के पूरे फोल्डर्स के बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल 326 फोटो है जिसमें 8 फोटो के हिसाब से आपके 41 एल्बम पेजेस बन रहे हैं। तो आप अगर पूरे फोल्डर के हिसाब से आप डिजाइन बनाना चाहते हैं और आपका कॉम्बिनेशन सेम रखना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे क्विक क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे आपके एल्बम पेज बन जाएंगे। ये आपके सारे के सारे फोल्डर सिलेक्ट, फोल्डर के सारे फोटो आपके सिलेक्ट हो गए। अब जैसे ही आप रेंडर पेज पे क्लिक करेंगे, ये आपने रेंडर पेज पे क्लिक किया तो 1 by 1 आपका पूरा एल्बम रेडी होके आ जाएगा। यहाँ पे हमारा बैच एल्बम डिजाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ये हमने ओके कर दिया, ये हम बैच में से ओरिजिनल एल्बम पेज के यूआई में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए एल्बम पेजेस के अंदर हमारे सारे डिजाइन किए हुए एल्बम पेज हमको दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें से अगर हम किसी डिजाइन को मॉडिफाई करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, हमें जस्ट उसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज पेज के बटन को क्लिक करना है। ये देखिए आपका लेआउट चेंज हो गया है। अब हम इसी को फिर से सेव कर लेते हैं। यह हमारा 129 नंबर की फाइल है। आपकी जो भी फाइल सेव होगी वो PSD और JPG दोनों ही फॉर्मेट में एक साथ सेव होगी। तो इस तरह से आपका लेआउटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, प्लस आप ऑटोमेशन में डिजाइन बना रहे हैं, एक एक डिजाइन भी बन रहा है टेम्पलेट की मदद से बन रहा है, और अगर आप बैच में जाते हैं तो पूरा का पूरा एल्बम आपका एक ही बटन से डिजाइन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम मैनुअल डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे होती है। फाइल मेनू में जाइए, न्यू इमेज पे क्लिक कीजिए, जिस साइज का आप एल्बम पेज डिजाइन करना चाहते हैं वो साइज दे दीजिए, यहाँ पे इंच दिए हुए हैं। जितने DPI में आप काम करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए,
फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, जो भी कलर आप फील करना चाहते हैं बैकग्राउंड में वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमारा फोरग्राउंड कलर फील है। अब हम फोटोज में चले जाते हैं। बात है मैनुअल डिजाइनिंग में फोटो अटैचमेंट, आपकी फोटो एल्बम पेज पे कैसे अटैच होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन टूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला हमने रेक्टेंगल मार्कर टूल पे डबल क्लिक किया और ये एरिया सिलेक्ट किया। एरिया सिलेक्ट करने के बाद हमें जो भी फोटो वहां पे लगानी है हम यहां से उसको डबल क्लिक करते हैं। ये हमने डबल क्लिक किया, हमारी फोटो अटैच हो गई है। ये देखिए यहां से हम उसको मूवमेंट भी कर सकते हैं। अब जब भी यहाँ पे आपके पास ग्रीन हैंडल्स जो है तो आपकी पूरी फोटो वहां से मूव होगी। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सीधी ब्लू हैंडल्स आ जाएंगे, तो आप उसको कंपोजिशन कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना है जो भी करना है आप उसी एरिया में उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब एल्बम डिजाइनिंग के दौरान एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि पेज का बैकग्राउंड क्या हो। तो पेज का बैकग्राउंड आप यहां से डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी बैकग्राउंड आप रखना चाहें। यहाँ फील के अंदर हमारे पास ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल, ग्रेडियंट वर्टिकल दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। आप यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पे आप किस तरह का कलर्स फील करना है, कलर टोन सिर्फ देना है, यू इफेक्ट मोड में करना है, लाइट डार्क करना है या सॉलिड कलर फील करना है, आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपका कलर फील हो जाता है। या आप उसकी ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। अगर आप किसी डिजाइन के साथ कॉम्बिनेशन में करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कलर फील कर सकते हैं। हम कैंसिल करते हैं। अगर हम इसी फोटो का टोन इसमें फील करना चाहते हैं तो ये फोटो हमारा सिलेक्ट है, हम यहाँ पे चले गए, यहाँ पे हमने कलर इमेज किया, ये फोटो हमारी आ गई है। समझो हमें स्किन टोन वाला कलर फील करना है, हमने सिलेक्ट किया, वो कलर पैलेट में आ गया है। कंट्रोल बैकस्पेस करते ही हमारा वो कलर यहाँ पे फील हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सिंगल फोटो अटैचमेंट और बैकग्राउंड क्रिएशन। अब जिस तरह से हम एक एक फोटो अटैच कर रहे हैं, ये हमने स्क्वायर सिलेक्शन पे किया। अगर हम कुछ कस्टमाइज सिलेक्शन करके फोटो अटैच करना चाहते हैं तो हमारे पास ये एलिप्स मार्क्यू सिलेक्शन है। हम यहाँ पे एक कस्टमाइज सिलेक्शन करते हैं। हम फोटोज में चले गए, हमने फोटो को डबल क्लिक किया, ये डबल क्लिक ब्लू हैंडल्स, ये हमने कंपोज किया, यहाँ से उसकी जगह सेट की, डबल क्लिक। तो ये फोटो हमारा कस्टमाइज सिलेक्शन में भी फील हो गया है। इसको हम छोटा बड़ा करना है तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमने इसको सेट कर लिया। तो इस तरह से हम एक एक फोटो आसानी से अटैच कर सकते हैं मास्क बना के। जनरली हम दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हमें मास्क बनाने में और फोटो ओपन करके इसमें अटैच करने में ही बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अब दूसरी फोटो हमको अटैच करनी है, मास्क नहीं बनाने, हमें सीधा सीधा फोटो लगा देना है। हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये हमारा दूसरा फोटो भी आ गया है। इस फोटो को हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें समझो हमें कोई फीदर अप्लाई करना है, तो हम सिलेक्ट किया फोटो को। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन में जाके इंस्टेंट फेदर का ऑप्शन है। अगर हमें इसमें ग्रेडियंट फेदर देनी है तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड सिलेक्ट किया हमने, ये ग्रेडियंट फेदर दिया, यहां से हम उसकी ओपेसिटी सेट कर लेते हैं फेदर की, ओके। ये हमारा ग्रेडियंट फेदर लग गया है। तो इस तरह से विदाउट एनी सिलेक्शन, विदाउट एनी ग्रेडियंट डेवलपमेंट, आप फोटो सिलेक्ट करके इंस्टेंट फेदर की मदद से ग्रेडियंट फेदर दे सकते हैं। इस फोटो को हम थोड़ा इनसाइड ले लेते हैं। अगर इस फोटो में हमें फेदर लगानी है या बॉर्डर लगानी है, हमने सिलेक्ट किया, स्ट्रोक में चले गए, यहाँ पे हमें मिल रहे हैं अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ स्ट्रोक, मल्टी कलर स्ट्रोक, सिंगल कलर स्ट्रोक। ये हमने स्ट्रोक लगाया, ये स्ट्रोक की साइज हम यहाँ से छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये हमने फोटो सिलेक्ट किया, यहाँ से स्ट्रोक को बड़ा किया। हमें स्ट्रोक में समझो फेदर लगानी है तो यहाँ पे ये फोटो राइट साइड में हमें उसकी लेयर विंडो दिख रही है। यहाँ पे एफएक्स, ये हमारा स्ट्रोक इनेबल और डिसेबल हो गया। यहाँ पे हमारा स्ट्रोक ऑब्जेक्ट एक्टिव आ गया है। तो हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव करके हम उसके ऊपर भी फेदर लगाना चाहें तो आसानी से लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे 5 का फेदर लगाया है तो हमारे स्ट्रोक के ऊपर भी फेदर अप्लाई हो गई है। तो ये हमारा एक सिंगल दो फोटो लग गए। अब हम एक साथ अगर कुछ फोटोज लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कुछ फोटो सिलेक्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 फोटो हमने सिलेक्ट किए। यहाँ पे हमारे पास एक मल्टीपल फोटो अटैचमेंट का ऑप्शन है।
तो यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीपल फोटो अटैचमेंट में बहुत सारे लेआउट दिए हुए हैं। यहाँ पे आप अपने खुद के लेआउट भी रख सकते हैं। कंपनी की तरफ से हमें कुछ लेआउट मिल रहे हैं और ज्यादा लेआउट अगर हम चाहते हैं तो हम इन स्टॉक में से ये रॉ मटेरियल की कैटेगरी में से लेआउट भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने एक लेआउट सिलेक्ट किया, यहाँ पे उसकी जगह सिलेक्ट की, कहाँ पे आपको उसको रखना है ये हमने छोटा बड़ा कर दिया, जो भी करना है। इंसर्ट फोटो पे क्लिक किया तो ये हमारे एक साथ चार फोटो अटैच हो गए। यहां पे समझो हमें ये बेस फील करना है, ये हमने डबल क्लिक किया, ये बेस आ गया है। इस बेस को अगर हम बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, ये हमने इसको बड़ा कर दिया, यहाँ पे सेंड टू बैक कर दिया, ये हमारा बेस लग गया है। ऐसा ही सेम अगर हम यहाँ पे इन फोटो के बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसमें अगर हमें कोई कलर फील करना है, ग्रेडियंट शेप देना है तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं, ये हमने डबल क्लिक किया, हमने ग्रेडियंट शेप सिलेक्ट किया है, ये इसको हमने बड़ा कर दिया, इसको हमें बैकग्राउंड में लाना है, सिलेक्ट किया बैकग्राउंड। तो इस तरह से आपको अल्टीमेट रॉ मटेरियल भी सॉफ्टवेयर के साथ मिल रहा है, तो आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई भी चीज नए तरीके से कहीं से एक्स्ट्रा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। लेआउटिंग का काम हमारा जैसे हो गया, अब दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कलर करेक्शन। हम किसी भी फोटो को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हमने जूम किया, ये जूम हो गया फोटो। अब हम देखते हैं कलर करेक्शन। कलर करेक्शन के लिए इमेज मेनू में चले जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट में लेवल, कलर बैलेंस, ह्यू सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ दिया हुआ है। हम यहाँ पे लेवल में चले गए, यहां से ये हमने ब्राइटनेस अप्लाई किया। ये लेवल हम जो कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे एडवांस करेक्शन ऑप्शन है। वर्ल्ड के किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप करेक्शन करने जाते हैं तो वो करेक्शन आपके पूरे फोटो के ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप सिलेक्टेड एरिया में करना चाहते हैं तो आपको मैजिक वांड या लासो या रेक्टेंगल मार्क किसी भी टूल की मदद से उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना पड़ता है, उसके बाद ही आपका करेक्शन उस एरिया में अप्लाई होता है। जबकि एल्बम सेंस आपको दे रहा है एडवांस करेक्शन। एडवांस करेक्शन में वो अपने आप पिक्सल के हिसाब से उस चीज के सिलेक्टेड एरिया को ऑटोमेटिकली, जिसको हम AI बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे समझो हमने स्क्रीन सिलेक्ट किया, अगर हम स्क्रीन में ही ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, हमने स्क्रीन सिलेक्ट किया, ओके किया, ये देखिए उसने स्क्रीन के एरिया को सिलेक्ट कर लिया और स्क्रीन पे ही उसने ब्राइटनेस अप्लाई किया है। ये हमारा जो करेक्शन अप्लाई हुआ उसे हमें चेक करना है। हम फेड में चले जाते हैं, एडिट में, यहाँ से हम उसकी ऑपेसिटी सेट करके देख सकते हैं, ये हमने 0 कर दिया, ये हमने 100 किया, तो हमें पता चल जाता है कि किस तरह का कलर करेक्शन अप्लाई हुआ है। देखिए आप, ये सिर्फ स्किन के ऊपर ही अप्लाई हुआ है, उसको भी आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो फेड की मदद से कर सकते हैं। ये हमने ओके कर दिया। अब हम चले जाते हैं कलर बैलेंस में। कलर बैलेंस में हमारे पास तीनों है RGB, यहां से हम रेड प्लस करते हैं, रेड माइनस करते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम करते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पे ऑटो कलर का ऑप्शन है, ये हमने ऑटो कलर किया। ऑटो कलर करते ही हमारे पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं। आप देखिए इसमें से रेड 10 माइनस हुआ है और ब्लू 10 प्लस हुआ है। तो वर्ल्ड का पहला ऐसा ऑटो कलर है कि जिसके अंदर आपको जो भी ऑटोमेशन में हो रहा है वो भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो आप उसमें भी मॉडिफिकेशन करना चाहे तो कर सकते। ये हम रीसेट कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो हम लेवल में कर पा रहे थे उससे काफी बेटर चीज यहाँ पे हमारे पास है। हम फोटो को अलग अलग 12 तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। हम स्किन टोन सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें स्किन के अंदर ही करेक्शन करना है, ये देखिए आपका स्किन के ऊपर ही काम हो रहा है, बाकी के एरिया में नहीं हो रहा है। अगर आप पर्टिकुलर रेड कलर पे काम करना चाहते हैं, आपने रेड सिलेक्ट किया, आप रेड ही माइनस कर रहे हैं। अगर आप किसी सेचुरेशन पे, लो सेचुरेशन और हाई सेचुरेशन, ये दो बहुत ही अलग चीजें हैं। आज तक वर्ल्ड में किसी भी अल्गोरिदम में ये फैसिलिटी नहीं मिली कि आप लो सेचुरेटेड एरिया को भी सिलेक्ट कर सके। यहाँ पे आप अपने लो सेचुरेटेड एरिया को सिलेक्ट कर पा रहे हैं,
उसका भी करेक्शन कर सकते हैं। ये हमने रीसेट कर दिया। सेम वे हम इसी तरह से दूसरी फोटो ले लेते हैं। ये हमने ये फोटो सिलेक्ट किया। अब हम देख लेते हैं ह्यू इफेक्ट्स। ह्यू इफेक्ट में भी हमें सेम सिलेक्शन मिल रहे हैं। आप स्किन टोन सिलेक्ट करके अगर स्किन का ही ह्यू चेंज करना चाहते हैं, आप देखिए सिर्फ स्किन का ह्यू चेंज हो रहा है। पर्टिकुलर अगर आप रेड कलर सिलेक्ट करते हैं तो आपको रेड का ह्यू चेंज करना है तो आपको रेड का ही ह्यू चेंज हो रहा है। इस तरह से आपको हर कुछ सिलेक्शन, कोई भी सिलेक्शन आपको हर फोटो के अंदर मिल रहा है। इस फोटो को हम सेव कर लेते हैं। अब एक और न्यू पेज करते हैं। फाइल में गए, न्यू इमेज, साइज दे दिया, ओके किया। यहाँ पे हम एक फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगाते हैं। ये हमने एक फोटो लगाई, इस फोटो को हमने बड़ा कर दिया। इसमें अगर हम फेदर देना चाहते हैं, हम सिलेक्शन में चले गए, इंस्टेंट फेदर में चले गए। यहाँ पे हमने राइट साइड से ग्रेडियंट फेदर दे दिया। इस टाइप का फेदर हमें आज तक कहीं अवेलेबल नहीं हुआ है। सेम वे इसके राइट साइड में हमारे पास काफी जगह बची हुई है, वहां पे अगर हम दूसरी फोटो लगाना चाहते हैं या बीच में कोई कटआउट लगाना चाहते हैं तो हम कटआउट भी लगा सकते हैं। पहले हम एक फोटो अटैच कर लेते हैं। ये हमने दूसरी फोटो अटैच की, उसको यहाँ पे ले लिया, इसको यहां से छोटा बड़ा कर लिया। चलो बीच के पोर्शन में हम दूसरे फोटोज लगाना चाहते हैं। हमने एक दो तीन चार फोटो सिलेक्ट किए, मल्टी फोटो अटैचमेंट में चले गए। यहाँ पे हमने एक सिलेक्शन कॉम्बिनेशन ले लिया। और इंसर्ट फोटो कर दिया। ये देखिए हम काम मैन्युअली कर रहे हैं लेकिन फुल ऑटोमेशन के साथ। हमारा काम मैन्युअली ही हो रहा है बट ऑल द वर्क इज डूइंग विथ फुली ऑटोमेशन। अब हम कलर करेक्शन चेक कर लेते हैं। इसमें ये फोटो सिलेक्ट किया, इमेज में गए, एडजस्टमेंट में गए, कलर बैलेंस में गए। यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट जूम की फैसिलिटी है। हम जैसे ही इस बटन को क्लिक करते हैं, जो भी फोटो आपका कंपोज किया हुआ, सिलेक्ट किया हुआ है, वो फोटो आपका फिट ऑन स्क्रीन हो जाता है। यहाँ से अगर हम स्पेशली कुछ रेड माइनस रेड प्लस जो भी रिक्वायर्ड है, ये हमने यहाँ पे थोड़ा रेड माइनस किया। अगर हम ऑटो कलर करना चाहते हैं तो इसको रीसेट कर देते हैं। ये हमने ऑटो कलर कर दिया, ये ऑटोमेटिक करेक्शन हो गया। बट इसको अगर हम सिर्फ स्किन टोन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने स्किन टोन सिलेक्ट किया और ऑटो कलर किया तो ये आपका करेक्शन सिर्फ स्किन के ऊपर ही अप्लाई हुआ है। ये हमने ओके कर दिया। अब हम थोड़ा ह्यू चेंज करना चाहते हैं। हम ह्यू में गए, स्किन टोन सिलेक्ट किया, हमने सेचुरेशन डाउन कर दिया, अप्लाई किया, ओके। अब बीच के फोटो ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास करेक्शन के लिए ऑटो करेक्शन में बहुत सारे रेडीमेड ट्यूटर्स दिए, ऑटो करेक्शन में हमारे पास रेडीमेड फीचर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कलर करेक्शन में वाइट बैलेंस। यहाँ पे हमारे पास तीन एल्गोरिथम है। अब ऑटो करेक्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारे AI बेस्ड करेक्शन सॉल्यूशंस हैं, जिसमें दो चीजें सबसे नई है, कलर कॉन्ट्रास्ट और कलर एक्सपोजर। जनरली आप किसी भी फोटो को कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो आपकी फोटो काली हो जाती है। यहाँ पे एल्बम सेंस में जो फीचर दिया हुआ है कलर कॉन्ट्रास्ट, जिसमें देखिए आपने कॉन्ट्रास्ट किया, पिक्चर आपकी कॉन्ट्रास्ट हो गई लेकिन आपकी फोटो काली नहीं हुई है, ओके। इस फोटो के ऊपर हम व्हाइट बैलेंस की एल्गोरिदम से उसका कलर करेक्शन करते हैं। ये व्हाइट बैलेंस किया, यहाँ पे भी कोई व्हाइट कलर पिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सीधा सीधा आपको एक ही कंट्रोल बार से आगे पीछे करके आप उसका व्हाइट बैलेंस कर सकते हैं। सेम वे उसी के अंदर हमारे पास ग्रे बैलेंस की भी एल्गोरिदम है। काम दोनों सेम करती है लेकिन दोनों का एल्गोरिदम चेंज है। ये एक अलग एल्गोरिदम से काम कर रहा है
आप देख सकते हैं, ओके किया। इस फोटो में अगर हम ग्रे बैलेंस करना चाहते हैं, ये हमने ग्रे बैलेंस सिलेक्ट किया, ओके, ये हमारे चारों फोटो का करेक्शन हो गया है। अब करेक्शन के बाद हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट होती है फोटो एडिटिंग। फोटो एडिटिंग में खास करके आप किसी फोटो को ब्लर करना चाहते हैं, किस पे कोई स्पेशल कलर इफेक्ट देना चाहते हैं, फोटो कटिंग करना चाहते हैं, फोटो कटआउट करके कहीं अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, तो वो चीजें हम एक नया पेज बना के देख लेते हैं, या यहीं पे कॉर्नर में हम एक फोटो कटआउट लगा के देख लेते हैं। ये हमने एक फोटो सिलेक्ट किया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अगर आप इस फोटो को कटआउट करना चाहते हैं, फोटो सिलेक्ट किया, यहाँ पे कट सेंस में चले गए, कट सेंस में फोटो आ गई है। यहाँ पे हमने लासो टूल सिलेक्ट किया, सिलेक्शन हो गया, यहाँ से सिलेक्ट आउटर सिलेक्शन, ये देखिए हमारा सिलेक्शन रिक्टिफाई हो गया है। रिक्टिफाई होने के बाद कट बैकग्राउंड किया, यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग हमारा ज्यादा हो गया है, हम यहाँ पे हिस्ट्री टूल से, हिस्ट्री ब्रश की मदद से उसको रिकवर कर लेते हैं। यहाँ पे हम ब्लैक एंड व्हाइट में चेक कर लेते हैं, ये व्हाइट बैकग्राउंड में भी हमें दिख रहा है, ये हम जूम करके चेक कर सकते हैं, ग्रे बैकग्राउंड में भी चेक कर सकते हैं, रेड डिफॉल्ट, इतना करके हमने ओके कर दिया। ये हमें कटआउट मिल गया है, ये देखिए कटआउट विथ मास्क मिला है। हम ओरिजिनल फोटो को डिलीट कर देते हैं, इस कटआउट को हम अपने हिसाब से यहाँ पे अप्लाई। तो इस तरह से आप किसी भी फोटो को आसानी से, किसी भी मल्टी कलर बैकग्राउंड फोटो को भी आप आसानी से कट सेंस की मदद से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड में कुछ क्लिप आर्ट या शेप वगैरह लगाना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे फोटो बेस में फ्लोरल भी है, हम कोई भी फ्लोरल, ये हमने यहाँ पे ग्रेडियंट वर्टिकल सिलेक्ट किया हुआ है, तो ग्रेडियंट कलर में हमें वो फ्लोरल मिल जाएगी, ये आ गई है। इसको हम सेंड टू बैक कर देते हैं और उसकी ऑपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं, ये हमने 75 कर दिया। यहाँ पे हम लेयर से भी फ्लोरल को सिलेक्ट, लेयर विंडो से भी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से एल्बम डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब इस पेज को हम सेव कर लेते हैं। 3